सीता माँ की मूर्ति कहाँ गई? जी वो कल दिए की लौ से सीता माँ की मूर्ति पर कालिक लग गई थी। ये अपशगुन है इसलिए अस्पताल से आते साथ ही मैंने उसे रंगवाने भेज दिया। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मूर्ति ले आई ना, अब तक तैयार हो गई होगी। ठीक है मैं लेके आता हूँ। वैसे भी राम और सीता की जोड़ी आभा और करण की तरह एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे। मूर्तियाँ तो पत्थर की होती है, भले ही कितनी भी ले आई है मिस्टर एंड मिसेस जगमोहन प्रसाद, लेकिन अब थोड़ी ही देर की बात है फिर ना रहेगा इस घर का राम और ना रहेगी सीता। इस घर में अगर कोई रहेगी तो सिर्फ प्रियंका। सुनिए, इस नाम की दवाई को यहाँ से लेकर गया था? ये ड्रग वाली दवाई पर सरकार ने रोक लगा दी है। कोई भी मेडिकल स्टोर वाला ये दवाई रखता नहीं है क्योंकि ये गैर कानूनी है। अरे पर कहीं तो मिलती होगी ना? अब उज्जैन में प्रवीण मेडिकल स्टोर एक ही दुकान है, उसमें आपको इस प्रकार की दवाई मिल सकती है। भाई साहब देख के चलिएगा, आपका ध्यान कहाँ भाग जाएगी? मन्ने माफ करो। अरे सुनिए, इस नाम की दवाई यहाँ मिलती है? अरे मैडम यहाँ सब दवाई मिल सकती है। अरे हर किसी के पास की बात थोड़ी है सब दवाइयाँ रखना। आप बताइए आपको कितनी चाहिए? नहीं नहीं हमें चाहिए नहीं, हम तो बस ये औरत, इसे ध्यान से देखिए, ये औरत थोड़े दिन पहले ये दवाई यहाँ से लेकर गई है। अरे मैडम ये तो परसों ही आई थी दवा लेने, परसों ही आई थी मैडम। 100% पक्की बात ना? 200% पक्की बात ना? मैं चेक करके बता देता हूँ। ये देखिए मैम, प्रियंका प्रसाद के नाम से बिल बना है। स्थापना वैसे भी राम और सीता जी को कोई अलग नहीं कर सकता। आप देखिएगा, सीता जी के घर में प्रवेश करते ही करण पर आई हुई विपदा अपने आप टल जाएगी। हाँ विमल, करण कैसा है? उसको करण को होश आ गया, और डॉक्टर ने कहा है वो खतरे से बाहर है। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटे, बस हम लोग अभी निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। हाँ विमल भैया, हम बस अभी पहुंच ही रहे हैं। जल्दी आ जाओ, करण को होश आ गया। करण को होश आ गया? हाँ हम बस पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं। जल्दी आ, मेरी बात आ रही है। अब मैं किसी ने ना आने दूंगी मारे और करण के बीच।